गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं ममता रावत देवभूमि उत्तराखंड से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज फिर अपने न्यू फनी ब्लॉग के साथ और एक छोटा सा एक्ट कर रहे हैं हम हस्बैंड वाइफ। तो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना जो आपको पसंद आएगा, तो हम ऐसी ही वीडियो आपको दिखाएंगे। हाँ ठीक ठाक है। हाँ अच्छा। हाँ, कहे फोन नहीं था भाई। अरे नहीं यार, मैं तो बैठी हूँ फोन। अच्छा मैं बैठा था। हाँ बैठी हूँ। हाँ तो भाई कहे रहा था। कल कहे रहा था फोन, मैं तो बैठी हूँ था फोन। हाँ तब यूँ ही कोई बाय फ्रेंड चली क्या, कोई बाय फ्रेंड है फोन। अभी खटा रहा हूँ कहे कहे का नाम। अमित ना तुम्हारे कपाल फोड़ दिन पट तो दिनेश, मैं तो बड़े कहीं फोन बिया चुका लो है जिन, मैं जान बिन यार बोलो बिया चुका लो है सुने ना। हाँ सुने नहीं फोड़ के मैं कपाल फोड़ दिन तुम्हारा सुने नहीं, तू एक कमरों सुने सुने एक कमरों खोली सुने नहीं। हाँ अब फोड़ दौड़ से तेरा बिया होता है कल आप बाजार ले जाओ जोरा जरा। अरे ममता जरा चाय ले, चाय जरा चाय बना ले जरा। अरे अरे चिल्लाणो नहीं तो मी चिल्लाणो मैं तो केहू हिंदी की नहीं दिए हो या जरा। तू उठ जाना जल्दी उठ जाना, उठ के लेनी छोई तीन दा उठा दे तुम दे तीन ने ना तुम। अरे भयान मेरी बात सुन ले, तुम्हारी बात सुनो पट फुट मेरा तो बाल जे तुम्हारी बात सुन ले, तुम्हारी बात सुनो मैं। अरे तू मेरी बात सुन ले, तुम्हारी बात सुन मैं बाकी के बात नहीं सुन मैं, मैं तो नहीं फुट मेरे कपार दे में। अरे मैं जो कि ये चूड़ी में वो चाय बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं तुम पुणे रहो फलम में, तुम चाय बना रहे हो सर सोए से भी तो काम पे रहो तुम पुणे रहो फलम बस तुम चाय बना रहे हो फलम तीन ना हो फलम में तुम तीन ना। अरे भाई मोटी छो क्या? अरे भाई मिनी तो बाल की तुम मोटी छे चल तू रह दे तू, अगर तुमने जान जानी छे ना तू एक गाल ले ले मैं चल जाऊं मैं चल। हाँ तुम्हारे बोलना मतलब क्या चे कि तुम बैठ जाओ हमें हवा रहो एकदम घूमो बैठ जाओ क्या हैं? अरे भाई मेरी इन थोड़े बोले तो क्या बोली तो समझदार तो ये सारे ही बहुत समझ गयो तुम। भाई मेरी इन थोड़े बोले कि तुम क्यों बोली इन बोल में झगड़ा करने चाहिए थोड़े बोल में तुम्हारे बोलना मतलब चे तुम्हें झगड़ा लो चो है झगड़ा लो चो। अच्छा तो तू इन कह रहे तो आराम कर ले, मैं अकेले चलाना है घूमना हुआ बस ठीक चे। ये मेरी पितली की ची पितली की ची इन बोली कि मेरे सारा मैं अब उधर लड़को मार मा हैं अब जाना है ना इन लोगों जैसे इधर नैन मटका करना हार हैं मेरे ये बताओ आप को ऐसे छमने पाता जी एक बार तुम सुबह ने छल दसी करने अब घूमना बाहर लगा कर जाना चो हैं। ओह पागल हो गया तू। हाँ झगड़ा लो गया मैं पागल हो गया मैं और कोई डिग्री च और कोई उपाधि च मैं तो दे रहा हूँ। ओहो निजाम ने पार घुमना को बस बच्चे बड़ा लोग कोई कोई घुमा बच्चे बड़ा लोग पार घूम निजाम तो मैं घुमा बस पर किले मेरे मन आतू ना कर तुम गुण आज करो सब मर्द होते भी दिया रोज घुमा देने रोज सैर कर दे अब काम नहीं आज इन फिट एंड फाइन। अरे एक तुम ही छो निकल जो सुबह सुबह सैर करो ना भी तुम तेरा पता नहीं स्वर्ग ढूंढो ये बात 100% सच है। सच है तो चलो ये बात तो सही है कि आदमी तो पुराना बात सुंदर सुंदर अवसर मिलते लेकिन जने देखे मिल दो
अरे बात जे जाने नहीं देई बदान के मिलो तो बांदर मिलो तो बांदर बांदर जो फुटिन में आता मैं तो वे जमाने बांदर और ये जमाने बांदर। अरे भाई कक क्या बोले चाय बोल था 2 घंटा पहले उड़े चाय बोल जाए अंत चाय क्या ये देखिए 1 गिलास पानी था नहीं मिल कक मोन लिया तो ए ममता बस हाँ अरे कक मेरे को 2 घंटा पड़े बोलो जो चाय है तो चाय क्या तू 1 गिलास पानी तक भी नहीं लाए। अरे मैं अपन उसको की बोल सीरियल देख लो चाय फिर तुम अच्छा अच्छा खाना भी तो बना ना। अरे भाई जब वो खाण वो सीरे ना तो फट हुए भरी चिपक जान भाई के मिलो तो वे देखी वे माँ सुंदर सुंदर स्वादिष्ट खाना बनाने पता चल तुमने सुंदर सुंदर खाना स्वादिष्ट बनाने लेकिन आज इधर तो कोई स्वादिष्ट खाना बना ही नहीं। आहा आज तुम कौन बनेगा करोड़पति सीरियल देख दो ही तो मैं तुम्हारे को आज नहीं करोड़पति की नहीं बना तुम हे भगवान ये हॉस्पिटल में भाजी भाजी कितना तरह गया जी और बिजो पानी उड़ता ये ना सुनो ये ना सुनो तो हॉस्पिटल में केले भगो बड़ी मुश्किल के तो हॉस्पिटल ऑपरेशन अपडेट भी नहीं से के मैं अकेले भगो। अरे जब तब मेरी बात सुनी जन्नी में हॉस्पिटल में क्यों वो नर्स ना नर्स नर्स बोल रहे कि घबराओ ना छोटे से ऑपरेशन से छोटे से ऑपरेशन से छोटे से ऑपरेशन से वो बार बार मेरे बोलेगी मेरी ना टेरी हो कि मैं तो दे नहीं पता यार मैं बाग हो गया भगवान कि मैं कब नर्स ठीक तो नहीं चाहिए छोटे से ऑपरेशन से घबराओ ना तुम भाग के लिए छोटा मां। अरे भगवान लाटी वो कौन से मेरे को बुनी चाहे तो कह रहा बुनी चाहे वो तो डॉक्टर हम बुनी चाहे ये बात है भाई ये तो यूं जने नो ना वो हॉस्पिटल के दिखाने जान तो बल्ली पिस्टी कर बिंदी लगाएगा कोई मोर जा रहा तो वो बल्ली पिस्टी कर दिखाने जान तो तू नहीं लिपस्टिक कर बिंदी यूं जने नो चौहाल भाई यूं जने नो चौहाल। अरे भाई ममता क्या बोले अरे के भाई आ दिखो मेरे सिंदूर ही नहीं मिली एक सिंदूर अड्डी भी जग गया है मेरे अरे ओखला तो सिंदूर बिंदी पर जल्दी हो तैयार तुम तो पता चल कि एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या हो। अरे तो पता चल जब तक की चुटकी सुन जाए तो 5000 रुपये मिलता जाए और 5000 रुपये खूब ऐसा करता जाए खूब ऐसा जैसे मेरे ये चुटकी सिंदूर क्यों आई वो 5000 रुपये मकाना किराया 5000 रुपये फीस 5000 रुपये ट्यूशन फीस और वो फिर और बिल पानी का बिल बिजली का बिल और वो 3000 रुपये पेट्रोल का खर्च और वो क्या बोली फैसन 2-3 हज़ार रुपये फैसन बार बार चुटकी भर सिंदूर की मतलब ना तुम यार मिधर ने बताया कर मेरा दिमाग खराब ना करे कर समझिए चल क्या भाई यहाँ पे क्या हो रहा है। तो दोस्तों आज अगर वीडियो कहन लग कमेंट में जरूर बताएं और ये वीडियो हम उन सुमन गौड़ और भगवान चंद्र जी ते देखीगन बनाई उसे हम कुछ कुछ वीडियो सीखना चाहूँ तो देखी कर कुछ कुछ कॉमेडी हूँ तो देखी भी सीखना चाहो कुछ अपूर भी बनाना चाहो तो आप ते अगर ये वीडियो अच्छी लगे ले तो हम ते जरूर बताएं और हम फिर अगले दिन भी कॉमेडी वीडियो बनाना पूर प्रयास कर लो अभी हम नए नए छोई अभी हम सीखना छोई पर हम अब जब सीख जोला अच्छे से तो अच्छी से अच्छी वीडियो बनाए हम आपते दूला। बाय दोस्तों मिलता चो आपते अगले ब्लॉग में।